मृतगवी विप्रुषा प्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रभुजितमहतां ब्रह्मभावं गतानां किन्त्रेशा बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारकारा गच्छन्दं बन्ध्वनीति प्रतिपदमधुना आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ शान्ति शान्ति। आप जहां बैठे हैं इसके ठीक बगल में कलाधारी जी का आश्रम है। जब हम पहले पहले आके वृंदावन में रहने लगे तो हम देखते कि वे प्रातः काल अपने आश्रम से निकल जाते और किसी वृक्ष के पास खड़े होके और उसको देखते और उसको भेंटते, उसके साथ चिपक जाते और रोते, उनकी आंखों से आंसू गिरते, उनके शरीर में रोमांच होता, आश्चर्य होता कि ये वृक्ष जिनमें से हम लोग दातुन तोड़ लेते हैं, जिनके नीचे हम शौच होवाते हैं, लघुशंका कर लेते हैं, इन वृक्षों में इनको ऐसा क्या दिखता है, कोई छिप के सुनते थे तो कहते हो तुम वही वृक्ष हो जिसके कंधे पर बैठ के हमारे श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बर धारी श्याम सुंदर बांसुरी बजाया जाते। कोई गाय आती तो कहते आहा ये गो माता तुम तो वो हो जिसके पीछे पीछे हमारे श्याम सुंदर घूमा करते थे। पक्षी दिख जाता फिर तुमने वृक्ष पर बैठ के हमारे श्याम सुंदर की बंसी ध्वनि सुनी होगी। ये श्री वृंदावन धाम श्री चैतन्य महाप्रभु आए पहले पर एक पंडे ने वृंदावन में उनको घुमाया तो बताया कि ये वही भूमि है जहाँ श्याम सुंदर लोटपोट होते थे और मिट्टी खाते थे, वही जगह। तो झरझर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और धड़ाम से धरती पर गिर पड़े और लोट पोट होने लगे। अब वो बेचारा पंडा डर गया कि इनको कहीं मिर्गी तो नहीं आती है, अपस्मार तो नहीं होता है, ये क्या रोग है। पर उन्हें तो कृष्ण 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 कृष्ण। तो आप किसी ऐतिहासिक विद्वान कि कब कृष्ण हुए और ये वृक्ष उस समय का है कि नहीं इसकी खोज मत कीजिए। किसी वनस्पति शास्त्री से ये मत पूछिए कि ये वृक्ष कितने दिनों का है। किसी वैज्ञानिक से इस मिट्टी में क्या विशेष है इसका पता मत लगाइए। ये भाव की भूमि है, इसको देखिए बाहर और भाव से आपलुप्त कर लीजिए, सराबोर कर लीजिए अपने हृदय पर। ये आपका हृदय निर्माण करने के लिए है, ये कोई वैज्ञानिक यंत्र बनाने के लिए नहीं है, हृदय निर्माण करने के लिए है। श्रम से वस्तु का निर्माण होता है, धर्म से हृदय का निर्माण होता है, कला से प्रकृति का अनुकरण होता है, विज्ञान से प्रकृति पर आधिपत्य प्राप्त किया जाता है,
और तत्व ज्ञान से वस्तु का यथार्थ परमार्थ यथार्थ में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये श्री वृंदावन धाम आपके हृदय को रसायन बना देने के लिए है, आपके हृदय में ऐसा रस उदय हो। आप जानते हैं कभी हैंड पंप नहीं चलता है ना, तो दो बाल्टी पानी ऊपर से डाल देते हैं, दो बाल्टी पानी ऊपर से डाला और फिर चलाया तो नीचे का पानी पकड़ में आ गया और फिर तो चाहे जब तक चलाते रहे। तो वृंदावन धाम में आकर आप दो बाल्टी रस अपने हृदय में डाल दीजिए, एक गिलास रस अपने हृदय में डाल और वहां जो रस का स्रोत है वो खुल जाएगा और आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। आप जानते हैं एक दिन देवर्षि नारद सायंकाल यमुना जी के तट पर उतरे, वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए, अहो देवर्षिर धन्योऽयं यत् कीर्तिं सारंग धन्वनः गायन माद्यन निदम तंत्रिया रमयत्यातुरं जगत। इस आतुर जगत को परमानंद दान करते हुए देवर्षि विचरण करते रहते हैं। ब्रज में आए तो देखते क्या हैं कि एक गोपी यमुना किनारे बैठी है, घड़ा अलग पड़ा है और उसने लगाया सिद्धासन और पीठ की रीढ़ सीधी की, आंखों को निमेषोन्मेष वर्जित किया और शांत बैठी। उन्होंने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे खींचा अपनी वीणा पर, गोपी की आंख खुली। नारद जी ने पूछा, अरे ग्वालिन तू क्या कृष्ण का ध्यान कर रही है? बोली, दादा उसका नाम मत लो, तेरे तो बड़े प्यारे हैं, प्रियतम है, उनका नाम लेने से क्यों मना करती है? प्रियतम का नाम सुनके तो बड़ी प्रसन्नता होती है। वो बोली कि सवेरे उठ के जब घर लीपने गई तो ऐसा लगा कि वो आके मैं लीपती जाती हूँ और वो रौंदता जाता है, घर नहीं लीपा गया। गाय दोहने गई तो मालूम पड़ा कि वो दाहिने आके बैठ गया और कहता है दूध मेरे मुंह में दुह दो, सारा दूध धरती में गया, वो तो वहां था ही नहीं। धान कूटने गई तो आके उसने मूसल पकड़ लिया, गौर से देखा तो किवाड़ी बंद, वहां तो वो था ही नहीं। घर का कोई काम नहीं बना दिन भर में, सास ननद नाराज हुई तो अलग। अभी शाम को आई यमुना में पानी भरने तो वो यमुना जी में से निकल के हमारा घड़ा ही पकड़ लिया उसने, अब खींचा खींची हुई पानी नहीं भरा गया, देखती हूं तो वो तो कहीं है नहीं। तो बाबा मैं समझ गई कि ये कृष्ण का दोष नहीं है, दोष मेरे मन का है, तो मैं यहां इसलिए बैठी थी आसन बांध कर और पीठ की रीढ़ सीधी करके और प्राणायाम करके कि इसको अपने दिल से निकाल कर बाहर फेंक दें। हम अपने मन को कृष्ण से बचाने के लिए ध्यान कर रहे हैं और आप तो उसी उसी का नाम लेकर के और हमारे हृदय में भर रहे हैं। ये है ब्रज भूमि प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन मनो धित्सते बाले यम विषये सुधित्सति ततः प्रत्याहरन्ति मनः यस्य स्फूर्ति लगाय हंत हृदये योगी समुत्कंठते मुग्धेयंकिल रस्य दया निष्क्रांति माकांक्षति। बड़े बड़े योगी गति सती सन्यासी चाहते हैं कि एक बार उसका पीतांबर हमारे हृदय में चमक जाए, ठहरा जाए, उसकी मंद मंद मुस्कान की चांदनी हमारे हृदय में छिटक जाए, उसकी तिरछी चितवन का तीर एक बार हमारे हृदय में चुभ जाए, उसका ठुमक ठुमक करके पाद विन्यास हमारे हृदय में एक स्वर एक ताल पैदा कर दे, वो उसकी सुंदर मधुर आकृति हमारे हृदय में बैठ जाए। बड़े बड़े महात्मा ऐसा चाहते हैं, परंतु ये गांव की गंवार गोपी पास्य
तस्य हृदयान निष्क्रांति माकांक्षते। यहाँ कृष्ण को हृदय में धारण करने के लिए योगाभ्यास नहीं करना पड़ता, कृष्ण से अपने हृदय को बचाकर घर का काम धंधा करने के लिए योगाभ्यास करना पड़ता है। अन्य भूमि से यहाँ की भूमि की विलक्षणता क्या है, और जगह बड़ा बड़ा योग, बड़ा बड़ा जाप, बड़ा बड़ा तप करने पर भी जिसकी स्फूर्ति नहीं होती हृदय में, वो यहाँ के भक्तों के पीछे 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 घूमता है। यहाँ ये किस सेठ की कोठी है, ये कौन सी दुकान है, तो नहीं नहीं ये राधा रमन का मंदिर है। जानते हैं राधा रमन के पुजारी श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, किसी ने आके पूछा महाराज आपके ठाकुर जी कितने बड़े हैं, उनके लिए पोशाक बनवा के ले आओ, वो तो गोल मटोल सालग्राम, उनको तुम जो ले आना कोई पहन लेना। और महाराज रात को रोने लगे कि हे भगवान पता नहीं वो कैसी पोशाक बना के लावे, कैसे पहनाएंगे। तो झट जो सालग्राम का डब्बा था ना, वो फट से टूटा और उसमें श्री श्री राधा रमन का विग्रह निकल रहा है। आपने श्री राधा रमन का दर्शन जरूर किया होगा। आप जानते हैं बिहारी जी का दर्शन तो करते हैं ना, वो बीच बीच में पर्दा खींचते हैं ना। एक आई श्रीमती जी, बड़ी भक्त, बड़े प्रेम से जब देखने लगी और आंख चार हुई, आंख से आंख मिली, यहाँ का ठाकुर आंखों का रोगी है, वो आंख मिल जाने पर आंख मिलाने वाले से एक हो जाता है। जब वो दर्शन करके चलने लगी तो वो अपना सिंहासन छोड़ के उनके सामने आके खड़ा, और जब आगे बढ़ने लगी तो पीठ की ओर श्याम सुंदर चले और आंख से आंख मिली, वो ज्यो ज्यो आगे बढ़े त्यों त्यों श्याम सुंदर पीछे हटे, फाटक की ओर चल पड़े। गांव में हुआ हल्ला, भगत लोग इकट्ठे हुए, कहे बिहारी जी अब तुम वृंदावन छोड़ के जा रहे हो क्या। जाके महाराज माता के पांव छुए, तो देवी हमारे बिहारी जी को मत ले जाओ। तो फिर वो घूम के जहाँ पहले खड़ी थी खड़ी हुई, बिहारी जी सिंहासन पर विराजमान हुए, बोले कि भाई अब एक मिनट दो मिनट से ज्यादा कोई बिहारी जी से आंख न मिलाने पाओ, है ना। बीच में पर्दा खींच दिया करो। नारायण, ये श्री वृंदावन धाम, आप सेवा कुंज गए होंगे, जो लोग भगवान का नाम लेते हैं उनको कितने पांव दबाने वाले मिलते हैं आपको मालूम। ये महात्मा लोग जो है ना, ये भगवान के नाम के व्यापारी, नाम ले लेके भगवान का इतने भगत बनाते हैं महाराज, इतने भगत बनाते हैं कि पांव दबाने वालों से इनकी इनको छुट्टी नहीं मिलती है। महात्माओं को भगत खवाए मारे, ज्ञानी बकाए मारे, भगत लोग खवाते खवाते महात्माओं को मार डालते हैं और ज्ञानी लोग बकाते बकाते महात्माओं को मार डालते हैं। पर ये इतनी सेवा पूजा महात्माओं को कहाँ से मिलती है, तो भगवान के नाम से। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव। लेकिन आप यहाँ जाके देखें सेवा कुंज में स्वयं भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी के पांव दबा रहे हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर पीतांबरधारी राधा वल्लभ यदि किशोरी जी के पांव न दबाते तो उनके नाम लेने वालों को भी पांव दबाने वाला कोई नहीं मिलता। हे भगवान, आप सेवा कुंज का दर्शन करो। आप निधिवन में कहीं गए हैं, निधिवन में कभी गए हैं। एक बार एक ने लाके श्री हरिदास जी महाराज को इतर की एक शीशी दी कि आप बिहारी जी को चढ़ाना, उन्होंने वहीं उसको बालू में ब्रज रज में गिरा दिया। उसने कहा
राम राम इतना कीमती इतर इतने प्रेम से मैं ले आया, और आप कैसे महात्मा हैं, बिहारी जी को नहीं लगाते हैं, रज में डाल देते हैं। वो गया महाराज जब बिहारी जी का दर्शन करने, तो क्या देखता है कि उसी इतर के सुगंध से संपूर्ण मंदिर सुवासित हो रहा है। इतर की तो पहचान होती है ना, अरे उसी इतर की सुवास महाराज यहाँ के एक एक कण में, ऐसा वर्णन आता है कि यहाँ के जमुना जी के जो बालू कण हैं वो गंगा जी के बालू कण से विलक्षण, गंगा जी के बालू कण में श्वेतिमा है, सफेद बालू है, और जमुना जी के जो बालू कण हैं वो तिल तंदुलायमान है, एक काला तिल एक सफेद चावल, एक काला तिल एक सफेद चावल। आप कभी स्नान करें, जमुना जी का बालू जब खुला हो उस समय आप देखें एक काला एक गोरा। कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण जब विहार करने लगे तो एक रूप से विहार करने में उनको तृप्ति नहीं हुई, तो जितने बालू कण हैं श्वेत उनमें श्री राधा रानी का, और जितने कृष्ण काले बालू कण हैं उनमें श्री कृष्ण का आवेश हो गया। आविश्य हिम बालुकम रेमे तत्तरलानंद कुमुदा मोद वायुना, आवेश हो गया हो आवेश, प्रत्येक बालू कण में श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण का आवेश हो गया। वो है ये वृंदावन, जहां केवल मनुष्य ही भक्त नहीं होते, आप जानते हैं यहाँ की गौएं भक्त हैं, यहाँ की हरिनिया भक्त हैं, यहाँ की लताएं भक्त हैं, यहाँ के वृक्ष भक्त हैं, यहाँ की पृथ्वी भक्त है, धन्य यमद्य धरणी यहाँ की धरणी भक्त है। तो ये भक्ति धाम श्री वृंदावन धाम, श्री रंगनाथ जी की, श्री रंग जी की गोष्ठी, श्री राधा रमण जी की कुलिया, श्री राधा वल्लभ जी की खिचड़ी, श्री बिहारी जी का दूध भात, आपने सुना है ऐसा ठाकुर सुना है, खवैया सोवैया कमैया यहाँ के ठाकुर है, हो कमैया ठाकुर सोवैया ठाकुर खवैया ठाकुर, बड़े अद्भुत। एक दिन महाराज बिहारी जी के मन में ये इच्छा हुई कि हम दही बड़ा खाएं। रात को पट बंद ताला लगा हुआ मंदिर में से निकल गए, निकल गए दही बड़े की दुकान पर गए और खूब मन भर दही बड़ा खाया। जब दुकानदार ने दाम मांगा तो बोले भाई हमारे पास तो है ही नहीं, तो अपना सोने का कड़ा उसके पास रख दिया बंधक, कि जब पैसा दे जाए तब हमारा कड़ा वापस कर देना। आहा, अब तो पट तो बंद, सुबह प्रातः काल जब किवाड़ खुली, रोज प्रातः काल किवाड़ नहीं खुलती है क्योंकि बिहारी जी रात भर जागते हैं तो बड़ी देर तक सोते हैं, किवाड़ जब पट जब खुले तो देखते हैं हाथ में कड़ा ही नहीं, क्या हुआ कोलाहल मचा। तो दुकानदार ने कहा भाई रात को एक सांवरा सांवरा बालक आया था और उसने दही बड़ा खाया और सोने का कड़ा हमारे पास रख दिया, पर ये तो वही है। तो ये निश्चय हुआ कि बिहारी जी को रोज दही बड़े का भोग लगेगा ना, प्रतिदिन दही बड़े का भोग लगता है, हो है ना, हाँ कितने शौकीन हैं, है ना, कितने शौकीन हैं खाने पीने के। ये है असल में ईश्वर का साधारणीकरण, जहां वेदांतियों ने परब्रह्म को अद्वितीय कर दिया, जहां निराकारियों ने हमसे बहुत दूर फेंक दिया, जहां बैकुंठ के प्रेमियों ने भगवान को बैकुंठ में भेज दिया, जहां योगियों ने हृदय की गुहा में भेज दिया समाधि में, वहां हमारे प्रेमी भक्तों ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाकर, निराकार को साकार बनाकर, सुखवासी को
ब्रजवासी बनाकर हैं, और जो सब जाति सब धर्म सब मत से परे हैं उनको ग्वारिया बनाकर, ग्वारिया बनाकर ला के हम लोगों के बीच में रख दिया, जिनके साथ हम कबड्डी खेल सकते हैं, जिनसे दांव लेने के लिए जिनके कंधे पर चढ़ सकते हैं, जिनको माखन के लिए नचा सकते हैं, ये साधारणीकरण इस रस का जैसे साधारणीकरण होता है दुष्यंत शकुंतला का सतयुग वाला रस नहीं, बोला सतयुग वाला रस नहीं, रंगमंच पर नट और नटी को आने वाला रस नहीं, सामाजिकों के हृदय में अनुभव होने वाला रस नहीं, रस को मूर्तिमान बनाकर कौन रस है और कौन रसिक है इस भेद को मिटाकर इन वृंदावन के महात्माओं ने भगवान को यहाँ कुंज कुंज में, वृंदावन की कुंज गली में नाचत नंद किशोर, इस वृंदावन की माधुरी इन रसिकन मिली आस्वादन की ओर। आप वृंदावन की माधुरी का आस्वादन करने के लिए अद्वैत सिद्धि खंडन खंड खाद्य भेद धिक्कार मत पढ़िए, वो तो हमने घोट रखा है, बोला उसकी जरूरत यहाँ नहीं है। यहाँ तो वृंदावन की माधुरी इन रसिकन मिली आस्वादन की ओर। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तऊन हाथ प्रसार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हूं कौन निहार। ये वृंदावन वो स्थान है जब बाला नल पी गए भगवान, गायों की रक्षा के लिए बाला नल पी गए, ग्वाल बालों की रक्षा के लिए बाला नल पी गए, और पीने के बाद भगवान को थोड़ी गर्मी लगी, गर्मी लगी तो इसी दावा नल शांति कुंड में इसमें आके उन्होंने स्नान किया, तो भगवान को जो दावा नल के पान से जो ताप था ना, और भगवान के ताप को मिटाने वाला ये स्थान है, ये स्थान है जहां भगवान का ताप मिटता है, मनुष्य का ताप नहीं, जीव का ताप नहीं, संसार का ताप नहीं, भगवान का ताप जहां मिटता है वो ये स्थान है, जहां भगवान रसास्वादन करते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे, राम को सुख देने वाला जैसे आराम है प्रमोद वन, जनक जनकपुरी का जैसे वो जनक पुष्प वाटिका, परम रम्य आराम यह आराम परस्मय पदी है और अधिकरण विभक्ति में है, आरमंती अस्मिन इति आरामः, परस्मय पदी होने से राम को सुख देने वाला आराम है। ज्ञान परिध्यो रमः, आ उपसर्ग जोड़ने पर रम धातु परस्मय पदी हो जाती है, राम को सुख देने वाला आराम है, ये श्री कृष्ण को स्वाद रस माधुर्य देने वाला ये प्रमोद वन, ये आनंद वन, ये वृंदावन, शिव जी को सुख देने वाला आनंद वन, श्री कृष्ण को सुख देने वाला वृंदावन, श्री राम को सुख देने वाला प्रमोद वन। नारायण, ये वन, वन शब्द का अर्थ भी यही होता है, वन संभक्तौ दननम नाम संभजनम, नीलकंठ ने कहा नैतादृशम संबननम त्रिषु लोकेषु विद्यते, तीन लोक में ऐसा कोई संबनन वन का, वन भजन का स्थान दूसरा नहीं है, यहाँ भजन करना नहीं पड़ता, यहाँ रहने वाले का भजन तो स्वयं भगवान ही करते हैं। ओम शांति।